हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजस फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं दोस्तों मैं आप सबके सामने यूनिट सेकंड का पार्ट टू लेके। जी हाँ, पार्ट टू लेके। पार्ट वन अपन ने कंप्लीट कर दिया है, पार्ट टू लेकर आ गया हूँ। जल्दी ये वाली पूरा का पूरा सब्जेक्ट अपन कवर अप करने वाले हैं। आज मेरी पूरी कोशिश है कि यूनिट टू और थ्री तो कम से कम पूरी कंप्लीट करवा ही दूं और यूनिट टू भी मैक्सिमम पार्ट टू तक रहे, तो जल्द से जल्द इसका सिलेबस अपन कंप्लीट कर दें ताकि दूसरे सब्जेक्ट की ओर भी अपन जा सके। तो ठीक है, मैं डॉक्टर अरंजवास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। एमबीए थर्ड सेम का सब्जेक्ट है, बीबीए बीकॉम एमकॉम यूजीसी नेट में सेम सिलेबस होने के कारण रहता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ एसेट्स एलोकेशन। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि एसेट्स एलोकेशन का मतलब क्या है और अब अपन देखने वाले हैं प्रिंसिपल, मींस के वो रूल्स जो हम फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम हमें रिटर्न कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा और रिस्क जो होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये है हमारा एसेट्स एलोकेशन के बेसिक रूल्स। ठीक है, तो चलिए टॉपिक देख लेते हैं। रिस्क इज नॉट सेम एज वॉलेटिलिटी, हाउ मच इज प्राइस मूव अराउंड। यानी वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि अप और डाउन कितना जाता है, जिसको हम नॉर्मल कॉमर्स की भाषा में या स्टैटिक्स की भाषा में वेरिएंस के नाम से जानते हैं। अब वॉलेटिलिटी का मतलब है यहां पर कि एक प्राइस है किसी गुड्स की, मान लेते हैं वो गुड्स है ना, उसकी प्राइस 100 यूनिट गई और यहां पर नीचे 90 यूनिट गई। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी कितनी हुई, 100 यूनिट अभी चल रही है, 95 रुपीज अभी चल रही है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए मानते हैं 95 रुपीज अभी उसकी, एक सेकेंड, 95 रुपीज उसकी करंट प्राइस है। हाँ, 95 रुपीज उसकी करंट प्राइस है। अप में वो जाता है मैक्सिमम 100 रुपए और डाउन में वो जाता है 90 रुपीज, तो उसकी वॉलेटिलिटी का मतलब हुआ कि 5 रुपीज की उसकी वॉलेटिलिटी। मतलब रिस्क एक डिफरेंट थिंग होती है, रिस्क होती है कि इतना गिर ही सकता है, और वॉलेटिलिटी का मतलब डाउन और अप दोनों चीजें। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो देके जाएगा वो 5 रुपीज का होगा और मैक्सिमम कोई लॉस भी देके जाएगा तो वो 5 रुपीज का होगा। इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, मतलब कि कितना वो वेरी करता है, वेरियंस कितना है, चल कितना हो रहा है, इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। आइए, क्लियर हो गया, रिस्क इज नॉट एज सेम एज वॉलेटिलिटी, क्लियर है। तो जब हम एसेट्स एलोकेशन कर रहे होते हैं तब हम दोनों चीजें चेक करते हैं, क्या कि जैसे बिल्डिंग है वो 5 साल में कहां तक पहुंच सकती है, 5 इयर्स में कितना प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है, कितना प्रॉफिट दे सकती है और डाउन में कितना रह सकती है। अब डाउन में अगर वैसे बिल्डिंग है फिक्स्ड एसेट से तो कभी डाउन में जाती नहीं है यूजुअली, जिस रेट पे आज लिए 5 साल बाद भी उतनी चली जाएगी, लेकिन यहां पर हम इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है उसको भी काउंट करते हैं। यानी कि हर साल 6% का हम ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। यानी 1 लाख का है तो 6% डाउन में चलते गए, 5 साल के अंदर 30% तक अगर वो लॉस में आ रही है, यानी 1 लाख की 70,000 में अगर उसकी वैल्यू 1 लाख आ रही है तो ये समझ लीजिए हमको 1,30,000 रुपए उसके ऊपर आने चाहिए थे, तो 30,000 का लॉस हुआ ड्यू टू इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के कारण। तो यहां पर ये बात हमको याद रखनी होती है। तो यही बात होती है, फर्स्ट पैरामीटर यही बात कह रहा है कि रिस्क इज नॉट सेम एज वॉलेटिलिटी, है ना। हम ये चेक करते हैं कि कितना डाउन में जा रही है, कितने अप में जा रही है, किसी असेट्स को अलोकेट करने से पहले, मतलब बिल्डिंग स्टॉक किसमें भी हमको जाना है उसमें सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि कितना वॉलेटाइल है वो स्टॉक। सेकेंड करेंगे मार्केट कितना एफिशियंस है, मार्केट एफिशिएंसी कितनी है, मतलब दो दुकानें मार्केट के अंदर, अब सुनिएगा, एक पिंटू की दुकान है और एक चिंटू की दुकान है। जो पिंटू की दुकान है वो महीने का 10,000 रुपए कमा रही है और वहीं जो चिंटू की दुकान है वो महीने का 2,000 रुपए अर्न कर पा रही है, केवल इतना प्रॉफिट इसको मिल पा रहा है, ठीक है, और इतना प्रॉफिट मिस्टर पिंटू बना रहे हैं।
अब यहाँ पर टोटल मार्केट का एवरेज प्रॉफिट, अगर एवरेज प्रॉफिट मार्केट में हर बंदे का कैलकुलेट करा जाए तो 7,000 रुपए। तो इसका क्या मतलब है, चिंटू जो है वो अंडर है, चिंटू है केवल 2,000 रुपए कमा रहा है, पिंटू भैया मार्केट के अपर में चल रहे हैं। तो मार्केट एफिशिएंसी इज द टोटल अर्निंग, एवरेज टोटल अर्निंग बाय द मार्केट, इसको बोला जाता है मार्केट एफिशिएंसी, कि मार्केट में टोटल कितना। जैसे सेंसेक्स 8% बढ़ा, सेंसेक्स कितने परसेंट बढ़ा, सेंसेक्स 8% बढ़ा। निफ्टी जो है, निफ्टी कितने परसेंट बढ़ा, 6% 12% मान लेते हैं, 12% बढ़ा। लेकिन आपका स्टॉक 4% ही बढ़ा, तो मींस के आपका एसेट एलोकेशन में कहीं दिक्कत थी, शेयर प्राइसिंग में कहीं दिक्कत। अब मार्केट एफिशिएंसी मतलब मार्केट इतना कमा के दे रहा है, मार्केट इतना गिर रहा है, तो उसको मार्केट एफिशिएंसी को चेक करते हैं हम, कि ये मार्केट में कितनी एफिशिएंसी है जो एवरेज इतना मिलता ही है। आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल गोल, जब भी हम कभी एसेट एलोकेशन करते हैं सबसे पहले क्या मैंने कहा है कि गोल डिसाइड करो कि आपने जो एसेट्स लेनी है वो कितने टाइम के लिए लेनी है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, और कितना रेवेन्यू उससे आपको चाहिए, कितना रेवेन्यू चाहिए, मतलब 5 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए। बोलते हैं सर हमको तो क्या ऐसा स्टॉक बताओ, मल्टीबैगर हो, 10 रुपए का हम स्टॉक ले और 1 लाख रुपए बन जाए, लेकिन हम उसके लिए 2 साल से ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग आए 10-20 रुपए का, सर को स्टॉक बताओ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं, मल्टीबैगर मिल जाए तुमको किस्मत, लेकिन जो स्टॉक है वो एक फिक्स गारंटेड रिटर्न देगा आपको 10% 15% 18% 17% उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आप कब पिकअप करते हो वो भी डिपेंड करता है, आपने हाई पे पिकअप किया तो आपको लॉस होना फिक्स है। तो यहां पर आपको पहले अपना चेक करना है आपका गोल क्या है, शेयर पे बाद में जाओ, पहले ये चेक करो सर मेरे को 50,000 रुपए चाहिए और मेरे पास अभी 5 लाख रुपए हैं, कितने हैं 5 लाख रुपए हैं और मेरे को एनुअली 50,000 चाहिए, यानी 10% ही चाहिए, कितना परसेंट 10%, कोई टेंशन नहीं, ब्लू चिप कंपनी के शेयर उठाओ 10% ग्रोथ देंगे ऑन एन एवरेज, 5 साल में आपको 5 लाख के 2.5 लाख तो मिलने फिक्स दे देते हैं, ब्लू चिप कंपनियों के शेयर उठाओ। और भी अगर डर लग रहा है निफ्टी 50 उठा के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी 20 के शेयर उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्या हुआ गोल फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि 5 लाख नहीं कमाने सर मेरे को, तो 50,000 नहीं कमाने मेरे को, 5 लाख के 5 लाख ही चाहिए, तब आपकी रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि ये 5 लाख जा भी सकते हैं। ठीक है, जितने रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी होगी उतना ही आपका रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न, कितना रिटर्न, गोल फिक्स होगा तो उससे रिटर्न भी फिक्स हो जाएगा। और ऑप्टिमल एसेट्स मिक्स का मतलब क्या है कि आप एसेट्स ले रहे हो तो ऑप्टिमल का मतलब यहां पर है कि उसमें शेयर भी हो, उसमें गोल्ड भी हो, उसमें कोई लैंड भी हो, उसमें अदर कोई रिजर्व भी हो, ठीक है, उसमें कोई एफडी भी हो, उसमें म्यूचुअल फंड भी हो, उसमें एक पीपीएफ का अकाउंट भी हो, इतने सारी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी जगह, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमल एसेट्स मिक्स के मतलब मेरे जो फंड होगा 5 लाख 7 लाख 8 लाख एक फिक्स्ड अमाउंट होगा उसमें ऑप्टिमम अलोकेशन किया जाए, मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम रिस्क का अलोकेशन किया जाए, यही मेरा ऑप्टिमल एसेट्स मिक्स कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। द मार्केट साइकिल लीड्स टू द इकोनॉमिक साइकिल, याद रखना इकोनॉमी मार्केट नहीं चलाती, मार्केट इकोनॉमी चलाती। क्या बोला मैंने, बहुत से बच्चों के तो एकदम जंप करके निकला, मैंने बोला है मार्केट जो है वो इकोनॉमी चलाता है, ना कि इकोनॉमी मार्केट चलाता है। मार्केट साइकिल क्या चलाती है, इकोनॉमी साइकिल चलाती है। कैसे सर, जरा ये समझाओ। मार्केट का मतलब है किसी प्रोडक्ट की डिमांड होना, किसी प्रोडक्ट की डिमांड होना। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आपके कोर्स के रिलेटेड, आपके लाइफ के रिलेटेड चीज बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है वो तो है, लेकिन यहां पर जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि मार्केट देश चलाता है ना कि देश मार्केट चलाता है, सेंसेक्स इंडिया को चला रहा है ना कि इंडिया सेंसेक्स को चला रहा है, ये बात सुनिएगा।
सेंसेक्स इंडिया को चला रहा है, सेंसेक्स इंडिया की इकोनॉमी चला रहा है ना कि इंडियन इकोनॉमी सेंसेक्स मार्केट को चला रही है। कितनी बड़ी बात बोली है मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा। और कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं वो भी देखिएगा, क्योंकि अभी तक जो थ्योरी आप पढ़ते हैं उसके अंदर इकोनॉमी इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट एंड द सेबी इज गवर्न बाय द मार्केट एंड द सेबी कंट्रोल द मार्केट, बट जो प्रैक्टिकली बात है वो मार्केट कंट्रोल द इकोनॉमी। कैसे? जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड इमर्ज होगी, किसी भी प्रोडक्ट की एक्स वाई जेड प्रोडक्ट की डिमांड इमर्ज होगी, तो जो प्रोड्यूसर है उसके पास ऑर्डर आएगा, प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। जब प्रोड्यूसर इस चीज को प्रोड्यूस करता है तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को अब ज्यादा प्रोडक्शन करना है। एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों की वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है, मनी ज्यादा आएगी। मनी ज्यादा अगर किसी के पास आ जाती है, अगर किसी के पास मनी ज्यादा आ जाती है, मतलब कि मेरे पास ज्यादा रात पैसा आएगा, वेल्थ आएगी, तो उसका क्या होगा? उसका खर्चा ही होगा, मैं एक्सपेंसेस ही करूंगा। और एक्सपेंसेस होने से फर्क क्या पड़ता है? एक्सपेंसेस होने से वापिस से मार्केट में डिमांड क्या होगी? बढ़ जाती है। और डिमांड होगी तो फिर से जो मेन प्रोड्यूसर है उसकी ग्रोथ होगी, और अगर प्रोड्यूसर की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी से एम्प्लॉयमेंट से हमारे पास वेल्थ आएगी, हम फिर एक्सपेंसेस करेंगे, फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर ग्रोथ होगी। तो हर चीज किस पे टिकी है? डिमांड पे टिकी। हमने दिवाली पे, अभी क्रिसमस आया है आज, है ना, तो विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस हमारी और पूरी टीम की तरफ से। तो क्रिसमस है आज, क्रिसमस में क्या हुआ? सेंटा क्लॉथ की ये अपने और सेंटा क्लॉथ के कॉस्ट्यूम की, या कह सकते हो आप क्रिसमस ट्री की डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ी तो जो प्रोड्यूसर इसका प्रोडक्शन करते थे उनके पास उसका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, उससे उनको एम्प्लॉय की जरूरत होगी, एम्प्लॉय को वो सैलरी देंगे, सैलरी देने से वापस एम्प्लॉय के पास वेल्थ क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएट होने से वो बाजार में उसका खर्चा करेगा, यानी कि बाजार में पैसा आएगा। जब बाजार में पैसा आएगा तो फिर से बाजार में डिमांड इमर्ज होगी और फिर से दूसरे प्रोड्यूसर को हेल्प मिलेगी। हमारे आपने सोचा जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम चलता था जिसमें कहा जाता था दिवाली पे नए कपड़े खरीदो, ईद पे नए कपड़े खरीदो, गणेश जी को नई धोती अर्पण करो, दिवाली हवन के लिए ये सामग्री लगेगी, मिट्टी का नया घड़ा चाहिए, तो क्यों कहा जाता था? घड़े इस दिन बदल दो, हर चीज नए कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि त्योहार के दिन नए कपड़े खुशी और उमंग उल्लास तो देते ही है, इसके साथ इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान भी है। यदि आप नए कपड़े खरीदोगे तो एक कपड़ा खरीदने पे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है वहां पे डिमांड इमर्ज होने के कारण, दिवाली पे हाई डिमांड होने के कारण वो हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा, वो हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा तो वो हाई एम्प्लॉयमेंट देगा, वो हाई एम्प्लॉयमेंट देगा तो हाई वेल्थ क्रिएशन होगी, हाई वेल्थ क्रिएशन होगी तो हमारे पास जेबों में पैसा आएगा, हम मार्केट में ज्यादा खर्च करेंगे और एक इस तरीके से साइकिल शुरू होगी। अब मान लो कोई कपड़ा नया खरीदे ही नहीं, दिवाली पे भी पुराने कपड़े खरीदे, होली दिवाली ईद पे भी पुराने कपड़ों में निकल के चले, तो कभी भी मार्केट में डिमांड इमर्ज होगी? नहीं होगी। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरर उसकी सप्लाई नहीं करेगा और प्राइस भी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है? प्रोडक्शन लो हो रहा है। जब प्रोडक्शन लो होगा तो प्राइस हाई होगी, जब प्राइस हाई होगी तो मार्केट में क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, पॉवर्टी की समस्या आ जाएगी, ये सारी चीजें, यानी सारी चीजों का एक ही सार है, यदि डिमांड बढ़ गई किसी भी प्रोडक्ट की तो सारी चीजें ऑटोमेटिक स्मूथ होना बिजनेस साइकिल में शुरू हो जाती है। इसीलिए क्या कहा जाता है? मार्केट साइकिल इकोनॉमिक साइकिल बढ़ाती है। जब दिवाली आएगी तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। समझ में आया? अगर इकोनॉमी ना होगी तो मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसीलिए एसेट्स एलोकेशन करते समय हमको ये याद रखना है कि कहां पे मार्केट साइकिल हमारे ग्रोथ में एफिशिएंटली वर्क कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए एसेट्स में, मैंने आपको अभी बताया था कि सारी चीजें अपन को देखनी है। टाइम होरिजन यानी समय हो रहा है उसका ध्यान नहीं रखते। टाइम होरिजन मतलब कि अभी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, सेचुरेशन पे पहुंच गई है या डिक्लाइन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सेचुरेशन पे पहुंच गई है या डिक्लाइन हो रही है, वो ध्यान रखना पड़ता है। और इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क टॉलरेंस एबिलिटी है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर याद रख रहे हैं। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट्स एलोकेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अगला टॉपिक अपना है इसके अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग। ओहो, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये रिटायरमेंट प्लानिंग तो एल्डर एज का काम है, मतलब कि अब हम 50 के होंगे 40 के होंगे तब रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे। तब इंसान देखिए, बहुत मेरे को ऐसे ऐसे कोटेशन मिलते हैं, भारतीय लोग 50 साल की उम्र तक खूब मेहनत करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, और फिर 50 साल हेल्थ को छोड़ के पैसे के पीछे भागते हैं, और 50 के बाद पैसा पूरी की पूरी हेल्थ में लगा देते हैं। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को टेंशन है, किसी को मतलब एन नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि उन्होंने जो पूरी उनकी लाइफ साइकिल थी वो पहले हेल्थ पे जोर नहीं दिया, और फिर एंड में हेल्थ पे जोर देने गए तो फिर वो चेंज हो गई। तो एक रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है। अब इसमें हेल्थ के ऊपर तो जोर भी होता है, मतलब एम्फेसिस भी होता है, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल नीड्स। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम के बाद, रिटायरमेंट की ट्रेड एज है आज 60 ऑन एन एवरेज में लेता हूं, क्योंकि कहीं कहीं 62 है, कहीं अर्ली एज भी है, पर रिटायरमेंट 60 एज के बाद इंसान इतना फिजिकल एबल नहीं होता कि वही एनर्जी के साथ वर्क कर सके। ठीक है, तो एक गोल सेट होना चाहिए कि हाँ मेरे को 60 साल, तो ऐसा नहीं है 65 में मर जाएगा, 70 में मरेगा, 75, 80, 90। सबसे बड़ा ताकत है आज की तारीख में पैसा। यदि आपके पास पैसा है तो आपका रिटायरमेंट अच्छा है, यदि आपके पास पैसा नहीं तो रिटायरमेंट अच्छा। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग की एज क्या हो? रिटायरमेंट की प्लानिंग वही एज होती है जिस एज से आप इनकम शुरू कर देते हैं, जिस एज से इनकम शुरू कर देते हैं उसी एज से आप अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना शुरू कर दें। कुछ पर्टिकुलर 1% 2% अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना किसी SIP म्यूचुअल फंड में शुरू कर दें, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम में अपन सोचें कि 50 के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग करोगे तो 13 साल, तब तक 100 रुपए की SIP 1 करोड़ देने के लिए रेडी हो जाएगी अगर 20 साल की उम्र से शुरू कर दिए तो। 40 साल की आपकी 100 रुपए की SIP चल रही है, सोचो 40 साल तक अगर SIP चली 60 साल में केवल 100 रुपए की, आप किसी भी फंडामेंटल से कैलकुलेट करना 1 करोड़ के ऊपर आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी केवल 100 रुपए, यानी 1200 रुपए पर ईयर, 1200 रुपए पर एनम। सोचो रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या, आप बुकिश लैंग्वेज में चल जाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिटायरमेंट इनकम एंड गोल, कि मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे एट द एज ऑफ 60 कितना पैसा चाहिए। ठीक है, उस पैसे का क्या पर्पस रहे, क्या स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेरे पास कुछ और इनकम के साधन नहीं रहेंगे, एक स्ट्रेस फ्री मेरी लाइफ रहेगी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट रहना जरूरी है, कॉस्ट सेविंग की भी हैबिट मेरी डेवलप करता है। ठीक है, और मनी वर्क्स फॉर यू। एंड ऑफ द डे क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद कौन वर्क करता है आपके लिए, मनी वर्क करता है। अगर आपने शेयर में वर्क नहीं कर रखा, आपने म्यूचुअल फंड में नहीं लगा रखा, FD RD में नहीं लगा रखा, तो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। रिटायरमेंट के बाद कौन काम करेगा आपके लिए, मनी, यदि आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करी तो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, हर किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग किस एज से शुरू होनी चाहिए, जिस एज से इनकम शुरू होती है, ना कि ये सोचे कि सर 40 साल बाद शुरू करेंगे। जितना लेट आप स्टार्ट करोगे उतना देर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैजिक है वो आफ्टर 10 इयर्स स्टार्ट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक है आप किसी भी SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक 10 ईयर के बाद स्टार्ट होता है और ये बहुत ही बढ़ता चला जाता है। तो देखिएगा, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग, क्वेश्चन आ जाए, फुलफिल अवर लाइफ एस्पिरेशन की भाई जीवन में अब हमारा रिटायरमेंट हो गया, अब ये काम तो करना है, हम हमेशा काम नहीं कर सकते, इसलिए प्लान अर्ली या डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ठीक है, मेरा रोटी कपड़े मकान का तो हमेशा जुगाड़ हो जाएगा, इसलिए हमको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। वन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर हम हमेशा स्टेबल नहीं हो सकते, जैसे कि एक पेंशन आ रही हो तो उसी के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकते, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हायर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी होती है एट द एज ऑफ 60, कॉन्ट्रीब्यूट द फैमिली इवन ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, आप अपने फैमिली में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट मीन्स के घर के सामान लाना, इस पे आप उन पे डिपेंडेंट नहीं है, आप और वेल्थ क्रिएशन करके दे रहेंगे। ठीक है, घर के मिनिमम एक्सपेंसेस जो है वो हम फुलफिल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने रिटायरमेंट प्लानिंग करी थी, हमने हमारी कोई FD RD म्यूचुअल फंड शेयर्स रख रखे थे, कोई बिल्डिंग प्लांट मशीन खरीद के रख रखी थी, जिसके कारण हमारे पास रेगुलर इनकम है और यही सारी रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा है। मेरे लिए, आप सबके लिए एक बेस्ट थिंग है कि आप सभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जीवन में जरूर बाय करें,
कौन सी प्रॉपर्टी? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जीवन में जरूर बाय करें, अगर आपको जीवन अपना रिटायरमेंट का अच्छे से गुजारना है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब वो दुकान जहां पे प्रोडक्ट कॉमर्शियल एक्टिविटी करी जाती है, वो मकान जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी करी जाती है, यानी कि आपको मकान और लैंड बाय नहीं करना रेसिडेंशियल पर्पज से, नहीं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जीवन में एक बाय करना जरूरी है। जो रेंटल इनकम रहेगी ना वो हमेशा बढ़ती है, मिनिमम 10% की दर से बढ़ती है, और ये हमेशा आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ देगी। हमेशा पिक चीज पे पैसा लगाइए, कभी टेंशन मत लीजिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से महंगी होती है। यदि आप 2 BHK का मकान लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, अगर वो 20 लाख रुपए में कहीं मिल रहा है तो वहीं पे एक दुकान ही 20 लाख की मिलेगी, क्योंकि वो आपको इनकम जनरेट करके दे रही होती कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। यदि आपको आपका रिटायरमेंट अच्छा करना है तो हमेशा एम बनाइए कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, ठीक है। अब गोल्डन रूल्स क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग के? प्लान मोर देन यू नीड, यानी कि आपको लगता है कि आपको 50 लाख की जरूरत होगी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो 50 लाख से ज्यादा की। अब कितने ज्यादा की मैं कहता हूं, इसका 25% हमको ज्यादा चाहिए। कितने परसेंट? 25% हमको ज्यादा चाहिए जो भी हमको प्लान कराए। जैसे कि 40 लाख का अगर मैंने प्लान कराया तो 50 लाख की इनकम सोर्स होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट रिटायरमेंट अर्ली करनी है। मैंने कब बताया? जब से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए तब से रिटायरमेंट की प्लानिंग करिए। यकीन रखिए, बहुत आप मेरे को याद रखोगे जब जीवन के 60 साल की उम्र में आओगे कि किसी ने बताया था कि भैया रिटायरमेंट प्लान कर ले, क्योंकि जीवन में अगर आपके पास पैसा है तो यकीन मानिए दुनिया कहेगी कैसा है, सत्य बात है। स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट प्लान, और स्टिक भी रखना है, मतलब कि आपने सोच लिया कि आपको 10,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करने या पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं तो आपको करने हैं। अगर आपकी जॉब चल रही है तो, अगर कोई क्राइसिस आ गया, अप डाउन आ गया जो लाइफ में हर किसी के आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी जॉब चल रही है, सारी चीजें रेगुलेशन पे है, तो आपको आपका जो प्लान है उसको चेंज नहीं करना। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, अब ये पोस्ट ऑफिस वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, काफी अच्छी स्कीम लगती है मेरे को। FD करवाते हैं, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट की FD करवाते हैं, और उसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो पर मंथ या क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब होता क्या है, इससे आपको पूरे साल भर रुकने की जरूरत नहीं होती कि आज FD कराइए, साल भर बाद इंटरेस्ट मिलेगा, 6% 7% साल भर बाद मिलेगा, नहीं, इसमें आपको मंथली इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपकी एज ए सैलरी हो गई कि मूल तो आपका खड़ा ही है। मान लो आपने 10 लाख रुपए की FD कराई, 60,000 रुपए मिल रहा है, तो 5,000 रुपए आपको मंथली जब मिलने लग जाएगा तो आपके जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है वो फुलफिल हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, या 20 लाख की कराई, वैसे इसमें मैक्सिमम 15 लाख तक की लिमिट होती है, 16 लाख की ना 15 तक की है, 15 लाख तक की अभी लिमिट है, गवर्नमेंट इसको बढ़ा दे तो बढ़िया है, अभी तो 15 लाख तक की पोस्ट ऑफिस के अंदर लिमिट है। तो ये एक ऐसी स्कीम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको मंथली इनकम दे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल दिया। रिटायरमेंट प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, अब ये तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, अब इसकी सर हम करेंगे कैसे? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर गोल। सारी प्लानिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस है अपनी गोल का आइडेंटिफिकेशन, और फिर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को भी एनालिसिस करना है कि मेरा गोल है 60 लाख रुपए कमाना, ठीक है, 60 लाख रुपए की मेरे को जरूरत रहेगी। अब मेरी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, महीने का 1 लाख कमा रहा हूं, 2 लाख कमा रहा हूं, 3 लाख कमा रहा हूं, वो। और रिस्क प्रोफाइलिंग मींस कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूं। अगर मैं एज के अकॉर्डिंग आपकी रिस्क फिक्स होती है रिटायरमेंट के अंदर, अगर आप 40-50 में चेक करोगे तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप यंग एज में शुरू करोगे, 20-25-30 की एज में शुरू करोगे, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में जाना चाहिए। तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग की बात है। इसमें फिर एसेट्स एलोकेशन, आपको फिक्स्ड एसेट चाहिए, यह हर बंदे की मेंटेलिटी, हर बंदे का लाइफस्टाइल, हर बंदे की रिस्क कैपेसिटी, हर बंदे की विलिंगनेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स्ड एसेट चाहिए या लिक्विड एसेट चाहिए, जैसे कि स्टॉक, गोल्ड, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एलोकेशन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप कितने पीरियोडिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6 मंथ में, 1 ईयर में, पर मंथ में, और कहां कहां करना चाह रहे हैं। मीन्स कि फिक्स्ड एसेट्स में ही करना है कि मैं 5 साल बाद बेच के
ऐसा मैंने बहुत से जने देखे एसआईपी सेल करके फिर वो फिक्स्ड एसेट्स बाय करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स सेल करके वो कॉमर्शियल एसेट्स बाय करते हैं, तो उनकी फाइनल गोल होता है कॉमर्शियल एसेट्स खरीदना। 60 लाख की आज एक दुकान लेना मुश्किल है, लेकिन 5,000 की एसआईपी शुरू करना आता है। तो पहले वो एसआईपी से एक गोल फिक्स करते हैं, फिर गोल फिक्स करके एक रेसिडेंशियल इनकम जनरेट करते हैं, रेसिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके बाद वो फिर कॉमर्शियल पे जाते हैं। तो ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और फिर पीरियोडिक मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग, मींस कि आपने इन्वेस्टमेंट बना दी, स्ट्रेटेजी फिक्स कर दी, इसके बाद क्या करना है, उसको रीबैलेंस करना है। जो आपको चीजें अच्छी ज्यादा इनकम लग रही है उनको जोड़ना है, और जो कम आपको लग रहा है कि ये मेरा लॉस का हो गया उसको घटाना है। स्टेप से सिंपल, पहले गोल आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, उसके बाद एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग हो जाएगी कि कौन से में कितना हमको रिस्क कैप्चर करना है। फिर हम एसेट्स को अलोकेट कर देंगे, यहां पर इतना इतना हमने लगा दिया। उसके बाद हमारी एसेट एलोकेशन के बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फिक्स हो गई कि और हर महीने मेरे को इतना इतना इस इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाना है और इससे मैं फाइनल गोल तक इसे पहुंचूंगा। और उसको बार बार हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है। बार बार गोल करने का मॉनिटर का मतलब आपको एक वीक के अंदर तो अपनी सारी फाइनेंशियल प्रोफाइल देख ही लेनी चाहिए। एक संडे का नियम बना लीजिए कि ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इससे बड़े नहीं जाएंगी वो, लेकिन इससे लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस होने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट प्लानिंग ऑफ डेफिनेशन। अब ये स्टेट प्लानिंग क्या है, जो हम हमारी पीढ़ी को देते हैं, वंशानुगत जो पैसा दिया जाता है वो स्टेट प्लानिंग है। अब ये स्टेट प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज सिंपल टर्म्स रिफर टू द प्लानिंग एसेट्स इन्वेस्टमेंट डाउन वन फ्रॉम अनदर जनरेशन, यानी जो पीढ़ियों को दिया जाने वाला पैसा है स्टेट प्लानिंग भी कहते हैं, कहीं ई साइलेंट भी है तो स्टेट प्लानिंग भी है, स्टेट भी बोला गया है। तो स्टेट प्लानिंग वो पैसा जो बाप बेटे को देता है उसकी पैतृक संपत्ति के अंदर, तो आप अपने पैतृक संपत्ति में कितना पैसा देना चाहते हैं वो स्टेट प्लानिंग कहलाती है। कि मैं मेरे बेटे को 20 लाख रुपए कैश छोड़ के जाना चाहता हूं, या मैं मेरे बेटे को 20 लाख की एक दुकान छोड़ के जाना चाहता हूं, आप क्या करके जाना चाहते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, वो आपकी स्टेट प्लानिंग। ये रिटायरमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिटायरमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी फैमिली अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी जब तक आपका इनकम सोर्स उनका दूसरा तैयार नहीं होगा। आज पिताजी के ऊपर बेटा डिपेंडेंट रहता है, क्यों, क्योंकि एक तो फैमिली का नेचर है, और जब तक वो बेटा खुद कमाने लायक नहीं होगा या बेटी खुद कमाने लायक नहीं होगी, वो पिताजी के ऊपर या माताजी के ऊपर डिपेंडेंट रहती ही है। तो आपको ये भी सोचना है कि आपका बेटा तब तक, आज क्यों डिपेंडेंसी क्यों बढ़ गई, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कम हो गया। आज 12 साल तक तो बच्चा पढ़ाई करता है, प्लस 3 साल उसके अर्ली एजुकेशन के ले लो, यानी 15 साल तक तो बच्चा 12वीं पास कर रहा है, ठीक है, फिर 4 साल वो बीटेक करेगा या 4 साल का कोई कोर्स करेगा, फिर उसके बाद 2 साल की एमबीए करेगा, यानी 15, 4, 19, 19 और 2, 21, मतलब 25 साल तक ऑन एन एवरेज बच्चा जो है वो स्टडी कर रहा है, 24-25 साल तक वो पढ़ ही रहा होता है। और हमारे जैसा कोई बच्चा आ गया जो आज भी पढ़ाई कर रहा है, यानी एमबीए के बाद उसने पीएचडी कर ली 4 साल, तो क्या हो गया, 25 के बाद और 4 साल, 29 साल तक तो उन्होंने पढ़ाई करी और बीच में कहीं पर वर्क छोटा मोटा करी, यानी 25, 27, 28 साल तक एक बच्चा अपने माता पिता के ऊपर फुली डिपेंडेंट रहता है, यदि उसको कहीं पे कोई स्कॉलरशिप नहीं लगी। हाँ, थोड़े से लकी रहे कि हमको स्कॉलरशिप मिल गई थी आफ्टर आवर एमबीए, ठीक है, उसके बाद जॉब भी मिल गई थी और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी रहा, तो बीच में हमारा गैप हुआ और उसके बाद मैंने आगे पढ़ना शुरू किया और थ्रू स्कॉलरशिप में पढ़ा। लेकिन नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है कि एक बच्चा 25 साल तक तो स्टडी करता ही करता है उसकी एज में। अब ये 25 साल तक उसके पास कोई पैसा नहीं है। अब यहां पर पेरेंट्स को सोचना चाहिए, मतलब एज ए यू, अभी मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आपके पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि यहां पर आप अपनी पैतृक संपत्ति कितना देके जाएंगे। देना क्यों चाहिए, देना इसलिए चाहिए कि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो लाइफ की अदर प्रॉब्लम्स के अंदर भी वो आसानी से निकल सकता है। कितने ही पेरेंट्स होते हैं अर्ली एज में अपने बच्चों का साथ छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, आप में से भी कितने हो सकते हैं, भगवान ना करे कभी कैसा जीवन में किसी का दिन आए कि उसके माता पिता उसका साथ छोड़ के जाए, लेकिन मृत्यु एक जीवन का एक अटल सत्य है, उसको हमको स्वीकारना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर किसी की मृत्यु हुई मदर फादर की, और वो बच्चे फाइनेंशियली अगर स्टेबल हैं, तो वो लाइफ उनकी मुश्किल तो रहेगी लेकिन उतनी एज कंपेयर टू मुश्किल नहीं रहेगी अगर विदाउट फाइनेंशियल, क्योंकि माता पिता का स्थान तो कोई दुनिया में नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं ले पाते। लेकिन अगर पैसा रहेगा तो वो अपना जो जीवन यापन है एक उसको
डेवलपमेंट जो है वो एक फ्रूटफुल तरीके में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति कितनी छोड़ के जानी है वो भी डिसाइड करना पड़ता है, और वो भी सर कब डिसाइड करें, जब आपकी मैरिज हो जाए। यहाँ पर एज ऑफ इनकम आप रिटायरमेंट के टाइम पे, जिस दिन आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है, किड्स हुए नहीं हुए, लेकिन जिस दिन आपकी मैरिज हो जाए उस दिन आपको गोल फिक्स कर लेना है कि मेरे को मेरी अगली वाली पीढ़ी को इतना अमाउंट देके जाना है। अब वो कैसे देके जा रहे हो, इनकम के रूप में देके जा रहे हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी देके जा रहे हो, इज डिपेंड ऑन यू। अब ये नीड तो सिंपल है, क्या नीड रहती है, बेनिफिशियरी रिड्यूस टैक्स। एक तो अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो थोड़ा सा टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। हेल्प टू प्रिपेयर कंटीजेंसीज, यानी कि कोई दुविधाएं होंगी, कोई एकदम से इमरजेंसी आ जाती, कंटीजेंसी यानी संदिग्ध दायित्व, यानी कि वो चीजें जो आज उत्पन्न नहीं हुई लेकिन भविष्य में हो सकती, हो सकता है कि कोई बीमार हो जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, हो सकता है कोई चोरी हो जाए घर में। ठीक है, कैन प्रोवाइड ऑफ एड्रेस ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ लव विद स्पेशल नीड, यानी कि एक एड्रेस यानी कि घर बना के देना। ठीक है, प्रिवेंट फाइनेंशियल एंड लीगल ग्रिप फॉर लव्ड वंस, यानी कि फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई रखना, मींस के बेसिकली स्टेट प्लानिंग की जरूरत क्यों है, ताकि किड्स का फ्यूचर सिक्योर रहे और एक उनके पास एड्रेस रहे, फाइनेंशियल नीड्स उनकी सेटिस्फाइड हो और हमको भी थोड़ा टैक्स का बेनिफिट मिल जाए। आई होप इसके साथ सारे पॉइंट्स अपने कवर अप हो गए हैं, और इसी के साथ मैंने आपकी यूनिट सेकेंड कंप्लीट कर ली है। तो कैसा लगा आपको मेरा यह साथ यूनिट टू का, सारी इधर उधर की बातें भी अपन ने करी, थोड़ा सा सिखाने की कोशिश भी करी इसके साथ में, यूनिट थर्ड भी आज ही लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तो कैसे रहा, समझ में आया नहीं आया, कहीं कोई टॉपिक रह गया हो तो लेट मी नो, और मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी के साथ मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।